हमारी सरकार की शान, हमारे बुजुर्ग, हमारे रहनुमा और मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों के तारे, मेरे नौजवान मेरी आंखों के सामने बैठे हुए इन दुकानों के ऊपर और हमारे बीच में हमारे लीडर, इस कौम के मामार, इस कौम के सपूत और हमारे कायद मेरी मुराद मलिक मोहम्मद इकबाल साहब जो आपके सामने यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं ताहिर मुस्तफा, मैं आज मेरी तकरीर का उनवान कि अपनी सोई हुई कौम को भारत की नींद से बेटने के अंदर का हिस्सा था और नहीं सारा शुरू करे, लेकिन हमारी बिहार की तामीर इसमें थी वही तामीर और तरक्की आज भी है। जट भी है यहाँ पे बैठा हुआ, कश्मीरी भी है यहाँ पे बैठा हुआ, गुज्जर भी है यहाँ पे बैठा हुआ, मलिक भी है, इससे बड़ा सबूत और तुम्हें क्या चाहिए? आज हमारे बीच जो लोग इस कौम को डिवाइड करना चाहते हैं, मैं उन अगर के अल्लू को ये कहना चाहता हूँ कि ये दरहाल जो इससे पहले डिवाइड नहीं हुई तो आज तक कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने हमारे हाथ में है। आज तुम एक बार नहीं 100 बार कोशिश कर लो ये दरहाल के लोग। पिछले 15 सालों की बात करी जाए तो जिन्होंने 15 सालों के अंदर यहाँ पे तहसील, यहाँ पे बॉयज गर्ल हाई सेकेंडरी का स्कूल, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि ये एक हमारा नाला है, सावन का जब महीना आता है दरिया उफान पे होता है, न जाने मैं तो अभी छोटा हूँ, कितने लोगों ने इस दरिया के अंदर जान गंवाई होगी, कितने हमारे माल और मवेशी जो है वो इसके अंदर बहकर मर चुके। लेकिन जब हमारे पास कोई एमएलए नहीं था, कोई एमएससी नहीं था, हमारे लीडर जो थे वो नकार नाहर चाहे थे कि जिन्होंने इस दरहाल को डिवाइड करना चाहा और दरहाल को ये कहा कि इनकी तार, इनकी बिजली, इनकी पानी, इनका सड़क सब कुछ बंद कर दो।